आइए दोस्तों, अब हम जो हमारा नेक्स्ट मॉडलिंग है वो हमारी है हमारी मैनीटू वन। ठीक है, चलिए हम अपने डेटा को ले आते हैं। देखिए, वन टू वन हो गया, वन टू मैनी हो गया, अब हमारा जो है नेक्स्ट मैनी टू वन। चलिए मैनी टू वन को देख लेते हैं। हम अपने डेटा को ले आते हैं दोस्तों। डेटा हमारा आ रहा है दोस्तों, ये हमारा डेटा आ गया। हम अपने टेबल को देख लेते हैं, जो कि हमें दोनों को क्लीन करना पड़ेगा, इसलिए हम ट्रांसफॉर्म डेटा करेंगे दोस्तों। पावर क्वेरी एडिटर में आएंगे, यहाँ पर हम अपने डेटा को क्लीन करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम यहाँ पे नल वैल्यू हटा देते हैं, इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो इसके रो हटाने के लिए दोस्तों, जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था, सेम उसी तरह इनको रो को हटा दो और इसका हेडर को हम ठीक कर लेते हैं दोस्तों। ये हमारा हेडर भी ठीक हो गया। अब हम जाते हैं अपनी प्रोडक्ट वाली टेबल में, रिमूव रो में जाएंगे, टॉप वाली रो हमें हटानी है दोस्तों। तो टू पे प्लस करेंगे, टू आ जाएगा, हट गया। और उसके बाद हेडर को भी हम ठीक कर लेते हैं। तो ये देखिए, अब इसको यहाँ पर क्लिक करके क्लोज एंड अप्लाई कर देते हैं। तो हमारा डेटा क्लीन हो चुका है और अप्लाई के लिए तैयार है, मतलब टेबल बनाने के लिए जो हमारी बनेगी मैनी टू वन। चलिए अब देख लीजिए, हमारी ये टेबल आ गई है दोनों, ये कैटेगरी की है और ये प्रोडक्ट की है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारे पास ये इसका मॉडलिंग है जो पावर बीआई अपना आप बना के दे देता है। अगर हमें बनानी पड़ी तो हम यहाँ से बना भी सकते हैं दोस्तों। ठीक है, फिलहाल मैं अभी आपको बाद में बनाऊंगा, बना के दिखाऊंगा, अभी फिलहाल हम देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम टेबल ले लेते हैं दोस्तों। एक टेबल पे हम अपने डेटा को शो कराएंगे कि किस तरह से हमें करना है। अब दोस्तों हम सबसे पहले अपना कैटेगरी में से कैटेगरी नेम ले लेते हैं यहाँ पर। तो कैटेगरी नेम नहीं दोस्तों, कैटेगरी आईडी ले लेते हैं दोस्तों। कैटेगरी आईडी ले लेते हैं, फिर कैटेगरी का नेम ले लेते हैं दोस्तों। फिर हमारी जो प्रोडक्ट टेबल है उसमें से हम प्रोडक्ट का नेम ले लेते हैं दोस्तों। उसके बाद प्रोडक्ट की आईडी ले लेते हैं दोस्तों। तो देखिए इसमें आईडी 11 आ रही है, यहाँ पर हमें डोंट समराइज करना पड़ेगा। तो देखिए अब ये हमारी मैनी टू वन का जो रिलेशन है वो बन के आ गया है दोस्तों। देखिए यहाँ पर जो कैटेगरी आईडी में है, यहाँ पर जो आईडी है वो कई बार आई है, यानी कि मैनी बार आई है, तो ये मैनी हो गई। और प्रोडक्ट आईडी में देखिए जो आईडी है वो एक ही बार आई है, एक एक बार आई है, यानी कि ये वन का रिलेशन हो गया। तो इस तरह से हम मैनी टू वन का रिलेशन बनाते हैं दोस्तों मॉडलिंग में, पावर बीआई में। ओके दोस्तों, थैंक यू।